नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में 205वीं वीडियो है लक्ष्मीकांत की सीरीज की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चल रहा है पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में किन किन चीज़ों के बारे में बात की थी तो स्टैब्बलिशमेंट कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन और थोड़े बहुत फंक्शन देखे थे यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शन को पूरा करेंगे जोशन क्या है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इसको पूरा करेंगे वर्किंग ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे और विजिलेंस यूनिट्स कौन कौन सी काम करती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में देखिए फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे फंक्शंस मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं बच्चों कुछ फंक्शन में आपको यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ देखिए जब भी बात आती है डिसिप्लिनरी मैटर्स की किसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी मैटर्स की तो भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करते हैं चाहे वो में में काम काम कर कर या फिर किसी Central Services में काम कर रहे है। बहुत टेक्निकल डिपार्टमेंट अभी सारी सर्विसेज तो ऑल इंडिया नहीं है ना। तो भाई भी यही बोला जा रहा है कि विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स की जब बात आती है ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स की या सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर्स की। उनके विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड जब भी कोई नियम कानून बनाया जाएगा या जब भी कोई रेगुलेशन बनाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस नियम कानून और रेगुलेशन को बनाने से पहले एक बार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से कंसल्ट जरूर करेगी क्यों क्योंकि जब भी कोई नियम कानून पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है जब भी कोई सेट ऑफ नॉर्म्स बनाए जाते हैं वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और आज के समय में गवर्नमेंट को ये बात को भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम करप्शन हो और पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस झेलनी पड़े तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा ऐसे केसेस में यही किया जाएगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ विजिलेंस कमीशन के साथ कंसल्टेशन करेगा और कंसल्टेशन करने के बाद ही रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा ताकि डिसिप्लिनरी मैटर्स के केसेस में सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज में प्रॉपर नियम कानून बनाया जा सके तो ये तो पहला फंक्शन हो गया पहला फंक्शन क्या इससे पहले नौ फंक्शन में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ लक्ष्मीकांत में दसवां फंक्शन दे रखा है उसके बाद ग्यारहवां पॉइंट क्या फंक्शन में देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा चेयरपर्सन और इसके अलावा जो दो और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं ना वो सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स के साथ फिर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो सेक्रेटरी है ये लोग क्या होंगे ये होंगे मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी एक सिलेक्शन कमेटी बेसिकली ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी

तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रेवे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेक्रेटरी और दो विजिलेंस चीफ जो जो विजिलेंस कमिश्नर है तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के अलावा जो दो और विजिलेंस कमिश्नर है वो भी इसके मेंबर है तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि भाई इसको आप एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में और फिर उसको एज द इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा ठीक है भाई और फिर उसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर जब अपॉइंटमेंट करना होगा ऐसे ऑफिसर्स का जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की पोस्ट के ऊपर आते हैं तो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के लेवल से ऊपर के ऑफिसर्स की जब अपॉइंटमेंट होगी तो यही कमेटी अपॉइंट करेगी लेकिन ये कमेटी अपॉइंटमेंट करते वक्त डायरेक्टर ऑफ एन्फोर्समेंट के साथ एक वार्तालाप जरूर करेगी तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चेयरपर्सन बना के जो कमेटी बनाई गई जिसमें दो विजिलेंस कमिश्नर थे और बहुत सारे सेक्रेटरी थे ये पहले तो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो हेड है डायरेक्टर और फिर उस डायरेक्टर के साथ बात करके कंसल्ट करके उसी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर की जितनी भी पोस्टें हैं उन पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो यहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का रोल काफी बड़ा है डायरेक्टोरेट एक बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है इसको छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन मत समझिएगा लॉन्ड्रिंग एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सॉरी टू थाउजेंड टू तो पी एम एल के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू के अंदर अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाया जाएगा देखिए जरूरी नहीं है देखिए पीएमएलए के ट्रांजैक्शंस कौन देखेगा या तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दे सकता है या डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दे सकता है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई केस आता है या डीआरआई के पास कोई केस आता है तो ऐसे केसेस में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्पेसिफिक अथॉरिटी समझा जाएगा और अगर पी एम एल ए से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास भी इंफॉर्मेशन जाएगी चूंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास कोई एक ऐसी पर्टिकुलर लीड हो जो कि उस केस को किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर के करप्शन से लिंक कर सके तो पी एम एल ए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कंप्लेन किसी के पास भी जाए चाहे ई डी के पास जाए चाहे डी आर आई के पास जाए ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास भी भेजी जाएगी ताकि अगर कोई केस पहले का इससे कनेक्टेड हो तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके फिर भाई लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को बदला और दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट को बदला तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया था जो 2013 का उसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को भी बदला जिसके थ्रू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टेटरी बॉडी बनाया गया था और दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 को भी बदला और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव किए सेंट्रल विजिलेंस के के काम करने के तरीके में क्या बदलाव कमी पहलाई शेलटेड बाई द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखिए सीबीआई के डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन सीबीआई के अंदर डिपार्टमेंट है जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और उस डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को हेड करता है एक डायरेक्टर जिसको आप बोलते हो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो सीबीआई के अंदर ये जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसको आप बोलते हो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इसका जो डायरेक्टर है उसको जब अपॉइंट किया जाएगा ना केंद्र सरकार के द्वारा तो केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के आधार पर अपॉइंटमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट में भी एक बहुत मेजर रोल है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जब आपको चेयरमैन बनाया जाता है या विजिलेंस कमिश्नर बनाया जाता है एक इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मानी जाती है इसीलिए चार साल के ट्रेनर के बाद आप किसी भी सेंटर या स्टेट की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो फिर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ही इज द चेयरपर्सन एंड टू विजिलेंस कमिश्नर्स अलॉंग विद सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑन ट्रेनिंग रिकमेंडेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स ऑफिसर्स टू द पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अब इन सी एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ सी सीबीआई में की पोस्ट में एक तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में जो डायरेक्टर है वो कैसे अपॉइंट होगा ये तो आपको बता ही दिया गया सीबीआई सीबीआई के 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 डायरेक्टर को छोड़ अंदर एसपी ऊपर लेवल की जो आप कहते हैं पोजीशंस होती हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल की और उसके ऊपर के लेवल की जो पोजिशन है अगर उनमें अपॉइंटमेंट करना है तो वो अपॉइंटमेंट एक कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर होगा और इस कमिटी का चेयरपर्सन होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर साथ साथ इस कमेटी के मेंबर्स होंगे दो विजिलेंस कमिश्नर्स साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ये भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे और ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी कि, कि किसको आपको सीबीआई के अंदर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर अप्लाई करना है लेवल पे और उससे ऊपर के लेवल पे अपॉइंट करना है फिर भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को यह ताकत दी गई है किसके द्वारा लोकपाल के द्वारा देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि लोकपाल खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता लोकपाल चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है बट लोकपाल चाहे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी केसेस रेफर कर सकता है तो अगर लोकपाल सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को केसेस रिकवर रेफर करता है तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होगा उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा लोकपाल चाहे तो ग्रुप ए ऑफिसर चाहे तो ग्रुप बी ऑफिसर चाहे तो ग्रुप सी ऑफिसर चाहे तो ग्रुप डी ऑफिसर ग्रुप ए बी सी डी किसी भी लेवल के ऑफिसर्स के लिए लोकपाल केस भेज सकता है किसके पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी बैठाएगा उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर और देखेगा हालांकि डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी के अंदर केस चलेगा और ट्राई किया जाएगा इन पर्टिकुलर ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी ऑफिसर्स को अब लोकपाल ने अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को काम दिया है कि आप इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी करिए तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जब इंक्वायरी होगी और, और बोला कि भाई हम ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी और ग्रुप डी किसी भी लेवल के ऑफिसर के अगेंस्ट इंक्वायरी रिकमेंड कर सकते हैं तो मान लीजिए ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी रिकमेंड की किसने लोकपाल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद जो अपने व्यू पॉइंट है जो अपनी चार्जशीट है जो अपना समेशन है कंक्लूजन है वो किसको भेजेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लोकपाल को भेजेगा लेकिन अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के अगेंस्ट इंक्वायरी की बात की है किसने लोकपाल ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ग्रुप सी और ग्रुप डी की इंक्वायरी भी करेगा और बाद में ग्रुप सी और ग्रुप डी इम्प्लॉयज के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट भले लेखपाल को भेजी जाएगी लेकिन लेखपाल को मैटर रिफर नहीं किया जाएगा क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो यहाँ पे क्या गलत एक्शन किए इन ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर्स ने किसके बारे में फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी लोकपाल के पास है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट आगे भेज देगा ग्रुप सी और ग्रुप डी के, के केस में इंक्वायरी भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा और अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है तो सजा भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दे सकता है अब बात करते हैं ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की देखिए ज्यूरिस्डेशन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बहुत बड़ा है यहाँ पे आपको पता चलेगा सारे मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर आते हैं खासकर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन कनेक्शन द यूनियन ध्यान रखे इन तो अगर आप एक हो, और लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो वहां तो आप स्टेट को सर्व कर रहे हो ना तो वहां पे अगर आपके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने लेवल पे सुलटा देती तो सेंट्रल विजनेस कमीशन प्ले में नहीं आएगा स्टेट गवर्नमेंट खुद बोल दे कि भाई सेंट्रल ये ऑफिसर ने हमारे यहाँ करप्शन इंक्वायरी करो तो सेंट्रल विजनेस कमीशन इक् नहीं लगेगा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट पे अगर एक आई ऑफिसर या फिर आई ऑफिसर या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का ऑफिसर का का काम कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसके खिलाफ इंक्वायरी सीधे सीधे सी वी चलाएगा बट किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर काम के अंदर काम कर रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो ऑफिसर को वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं या केस को सी को रिकमेंड करना चाहते हैं और जितने भी ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो किसके के के अंदर आते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रेजोस्टेशन के अंदर आते हैं फिर भाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे कि सेंट्रल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक इसमें स्केल फाइव या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स के अगेंस्ट अगर इंक्वायरी चलेगी तो कौन लीड करेगा इंक्वायरी को तो सेंट्रल विजलेंस कमीशन करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड इनमें ग्रेड डी या ऊपर से ऑफिसर्स की, की इंक्वायरी कौन करेगा सेंट्रल विजलेंस कमीशन करेगा फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि शेड्यूल ए और बी में आती है

ड्रॉइंग सैलरी ऑफ सत्तासी मंथ एंडलोल तो फॉर एग्जाम्पल कल की डेट में आप यूपीएससी में आई एस बनते हो तो जो आपकी ग्रेड पे शुरुआत होगी वो चौवन सौ से शुरुआत होगी हालांकि अब इस ग्रेड पे को चौवन सौ के हिसाब से देखना यह सही नहीं है चूंकि भाई ये जो लेटेस्ट आपका पे कमीशन आया था उसमें ग्रेड पे के कंसेप्ट को हटा दिया गया बेसिक सैलरीज बहुत ज्यादा हो गई है बट पहले ग्रेड पे के हिसाब से होता था तो एक आई का आईपीएस का एंट्री लेवल ग्रेड पे क्या होता है चौवन पहले प्रमोशन के बाद फिर आप छाछ पे पहुंच जाओगे सत्तासी आप पहुंच जाओगे सात आठ साल बाद तो सत्तासी या उससे ऊपर के जो ग्रेड पे के ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर इंक्वायरी चालू करनी है तो कौन चालू कर सकता है सेंट्रल विजन कमीशन चालू कर सकता है वो उसके जोशन के अंदर आ जाएंगे ठीक है भाई तो तो ये हमने तो देख लिया कि कौन कौन आ रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जुरिजुशन के अंदर फिर बात करते हैं वर्किंग कैसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की पहली बात तो ये काम कहां से करता है तो अपने नई दिल्ली के ऑफिस से करता है इसके पास ये ताकत है कि अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार ने एक्ट में लिख रखा है कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऐसे ही ऐसे काम करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जोर डिसाइड कर रखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बता रखा है कि आपको यह काम करना है वो काम इंटरनली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसे करेगा अपने काम करने के तरीके को डिवाइस करने की अथॉरिटी खुद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास है तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स मिल बैठ के इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने इंटरनल कामों को किस प्रकार से अरेंज करेंगे और जब भी वो काम करते हैं तो उनके पास सिविल कोर्ट की ताकत होती है तो उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उनका एक जुडिशियल कैरेक्टर होता है सिविल कोर्ट की ताकत होने का क्या मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं अपनी इंक्वायरी के दौरान वो किसी भी पर्सन को जिससे उसका बयान लेना चाहते हैं उसको अपने सामने बुला के उसको ओथ दिला के उससे सवाल पूछ सकते हैं उससे एक एफिडेविट पे साइन करा सकते हैं उससे ओरल स्टेटमेंट ले सकते हैं ये सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं और ये सब चीज़ें एक जुडिशरी करती है तो इसलिए कहा जाता है कि भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की ताकत है इसलिए इसकी जो प्रोसीडिंग्स है ना उनका करेक्टर एक जुडिशियल करेक्टर होता है ठीक है भाई फिर भाई समय समय पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वाले आने वाली जो अथॉरिटीज हैं उनसे कोई इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मांग सकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने अंदर काम करने वाली जो भी अथॉरिटीज हैं उनके यहाँ पे सुपरविजन के लिए फ्रॉम द एंगल ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में या इनकी अथॉरिटीज में एंटी करप्शन के लिए क्या काम हो रहा है विजिलेंस के रिस्पेक्ट में क्या काम हो रहा है इसके लिए समय समय पे इन अथॉरिटीज से सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मांग सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ठीक है भाई उसके बाद देखिए क्या बोला गया द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी एन एजेंसी ऑन रेफरेंस मेड इट द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज टू टू द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मान लीजिए भाई कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने कोई आप कह सकते हो कि इंक्वायरी की फॉर एग्जाम्पल सी एक, एक एजेंसी है डीआरआई एक एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये एजेंसीज है आप कह सकते हो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है तो कल की डेट में मान लीजिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास कोई करप्शन का केस आया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास बहुत ओवरलोड है केसेस का तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी भी एजेंसी को यह बोल सकती है कि ये पर्टिकुलर केस है इसके ये पर्टिकुलर्स हैं ये कॉज नोटिस है ये एविडेंसेस हैं मैं आपको ये एविडेंसेज और ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ आप एज एन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करिए कि इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं या इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही है या गलत है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी भी एजेंसी को एक रेफरेंस दे सकता है कि आप इस किस में इंक्वायरी करिए ऑब्वियसली बात है अगर एजेंसी को इंक्वायरी करने को दिया गया तो एजेंसी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी खत्म होने के बाद एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह रिकमेंडेशन दे सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के अगेंस्ट ये इंक्वायरी हुई है इस इंक्वायरी में ये ये निकले इसको यह सजा दी जाए ठीक है भाई अब यहां पर खास बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंक्वायरी के रिजल्ट्स को मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन दिए केंद्र सरकार को ये जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार उन रिकमेंडेशंस को माने केंद्र सरकार उन को मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है लेकिन या उसकी उन को और, के को जरूर करेंगे और उस हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और मान लीजिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी पर्टिकुलर केस में केंद्र सरकार को, को देता है या केंद्र सरकार की के किसी अथॉरिटी कोई एडवाइस देता है और केंद्र सरकार उस एडवाइस को नहीं मानती है तो केंद्र सरकार को इन रिटर्न एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कि आपने ये एडवाइस दी है और को. तो यहां पे का जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एनुअली प्रेसिडेंट को अपनी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि भाई हमने साल में ये काम किया ये केस हमारे पास आया यहां पे हमने ये रिकमेंडेशन दी ये हमने किया और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ पर पुटअप करेगा पार्लियामेंट में पुटअप करेगा पार्लियामेंट में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट पे बहस होगी और अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सेंसिटिव है तो सरकार से सवाल भी पूछे जा सकते हैं समझ गए बात को फिर बात करते हैं विजिलेंस यूनिट्स इन मिनिस्ट्रीज यूनियन गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है मोस्ट प्रॉबली ग्रुप ए का एक आला दर्जे का ऑफिसर होगा तो भाई कल की डेट में मान लीजिए आप कोई बड़ा आईपीएस बनते हैं और आईपीएस बनने बाद इंस्पेक्टर जनरल बन जाते हैं या एसपी बन जाते हैं थोड़े लोअर लेवल पे भी कभी कभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स बना दिया जाता है तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजिलेंस डिवीजन है और उसमें एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होता है और ये जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है ये क्या करेगा ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में विजिलेंस से रिलेटेड सारे मैटर्स देखेगा और उन विजिलेंस से रिलेटेड मैटर्स में असिस्ट करेगा और एडवाइस करेगा उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या हेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिस को कि इस विजिलेंस के मैटर में आप ये स्टेप्स ये ले सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डेली बेसिस पे विजिलेंस ऑफिसर्स के काम को देखता है बट कहीं ना कहीं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक कोड एक मैनुअल निर्धारित कर रखा है कि अगर किसी ऑफिसर के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस हैं तो आप उसको इस इस प्रकार से सजा दे सकते हैं तो ये जो विजिलेंस ऑफिसर्स हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स ये अपनी विजिलेंस डिवीजन में यह काम करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट में जो भी करप्शन से रिलेटेड चीजें हैं उनके ऊपर और मदद करेंगे काम कर रहा है किसके बीच में एक तरफ उसका ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ चीफ विजिलेंस कमीशन है चीफ विजिलेंस कमीशन जिस प्रकार से उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है बीच में लिंक का काम कौन कर रहा है चीफ विजिलेंस ऑफिसर उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए डिपार्टमेंट कह लीजिए मिनिस्ट्री कह लीजिए और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बीच में लिंक की तरह कौन काम करता है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर तो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर करेगा तो करेगा क्या पहला वो काम करेगा कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द इम्प्लॉयज ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन दूसरा काम वो क्या करेगा इन्वेस्टिगेटिंग वेरीफ्यूल एलिगेशन रिपोर्टेड टू तो पहले तो उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो करप्शन हो रहा है एम्प्लॉयज के बीच में उसको बारे में इंटेलिजेंस कर क्रिएट करना जो भी इल्ज़ाम लगाए गए किसी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में उसको स्टडी करना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने रखना और मान लीजिए किसी केस में कोई बहुत बड़ा केस है तो मैटर को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी रेफर किया जा सकता है उसके फर्दर इनपुट्स के लिए कि हाँ भाई इसके खिलाफ क्या एक्शन ले क्या नहीं लें अगली वीडियो में आपको विसिल बोर प्रोटेक्शन एक्ट दो हज़ार चौदह बताऊंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। लाइक जरूर कर दीजिए कमेंट कर दीजिए इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है थैंक यू फॉर अ ग्रेट डे